गाइस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस नवी देखो, ये नवी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है। देखो ये इस तरह का मैंने एग्जांपल भी सॉल्व कराया है, जागर का प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट एक ही है, उसी कॉन्सेप्ट उसी फॉर्मूले से इसे भी सॉल्व कर देंगे। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। आपसे कह रहा है द EMF ऑफ अ बैटरी इज 4 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1.5 ओम। बना लो इसको जल्दी से फटाफट। आपके पास एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, बैटरी 4 वोल्ट की है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा 1.5 ओम, ठीक है। आपसे कह रहा है इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज मीजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम। तो आपके पास एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की मदद से आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस मीजर कर रहे हो, वोल्ट मीटर की मदद से। अब मुझे एक बात बताओ, वोल्ट मीटर लगा हुआ है इस बैटरी से, अगर ये वोल्ट मीटर इसको मीजर करेगा, आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो ये कोशिश करेगा कि 4 वोल्ट मीजर कर दे, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ ड्रॉप मारेगा, ड्रॉप मारने के बाद जो वोल्ट मीटर है वो एक्चुअल रीडिंग शो ना करके कुछ डिफरेंट रीडिंग शो करेगा, इट मीन्स कम, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत ड्रॉपिंग आ जाएगी, तो ड्रॉपिंग की वजह से 4 वोल्ट की कुछ ड्रॉपिंग यहाँ हो गई, बची हुई वैल्यू को दिखाएगा वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी वो EMF से कम आएगी, तो यही एरर आ गई मीजरमेंट में, क्योंकि हमें तो 4 वोल्ट मीज़र करने थे, पता लगा कि 4 वोल्ट मीज़र ना करके थोड़े कम वोल्ट मीज़र कर रहा है, तो वो हमसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने परसेंट की मीज़रमेंट में एरर होगी। तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि वोल्ट मीटर के पास कितने वोल्टेज पहुँचे, क्या इसने पोटेंशियल डिफरेंस मीज़र किया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पूरे सिस्टम की करंट निकालनी होगी। सिस्टम की करंट निकालो, आपको बताया सिंस वी नो दैट करंट इज इक्वल टू होगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, बिल्कुल क्लियर है, हाँ ये बात सही है। EMF की वैल्यू कितनी है 4, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस दे रखा 1000 ओम, और ये सीरीज में लगा हुआ है 1.5 ओम के, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 ओम प्लस 1000 ओम, दोनों को एड्स करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 1001.5, ये करंट की वैल्यू आ चुकी है, करंट ये हो गया, ठीक है, क्लियर है वाली बात, करंट ये आ चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, इस करंट की मदद से मैं ड्रॉपिंग भी चेक कर सकता हूँ कि कितना खर्च हो रहा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस पे, और मैं डायरेक्ट ये भी चेक कर सकता हूँ कि वोल्ट मीटर के पास कितनी रीडिंग पहुँची होगी। देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल के लिए करंट इंटू टर्मिनल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, करंट कितनी है 4 / 1001.5 ये है, और रेजिस्टेंस कितना है, ये है 1000, बात समझ में आ गई, तो ये आपके पास टर्मिनल वोल्टेज है। अगर इसको डिवाइड करोगे, देखो यहाँ देखो ये वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, ये 1000 है, तो नीचे वाली वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है ऊपर वाली वैल्यू से, तो जो इन दोनों का फ्रैक्शन होगा वो 1 से थोड़ा सा कम होगा, और जब 1 से थोड़े से कम की मल्टीप्लाई किसी नंबर से होती है तो जो रिज़ल्ट आने वाला होता है वो उस नंबर से थोड़ा सा छोटा आता, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 से थोड़ा सा छोटा आएगा, वैल्यू आएगी 3.996, चाहे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये टर्मिनल वोल्टेज है। अब देखो हमारे पास बैटरी का EMF था 4 वोल्ट, वोल्ट मीटर को चाहिए थे कि 4 वोल्ट मीज़र करे, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल की वजह से उसने जो मीज़र किए वैल्यू वो किए 3.996, तो फिर हमसे पूछा कि परसेंटेज एरर कितनी हुई, तो एरर तो हो गई ना, तो यस आप निकालेंगे परसेंटेज एरर। जब आप परसेंटेज एरर लिखेंगे तो आप देखेंगे चेंज इन वोल्टेज, तो ओरिजिनल कितना था 4, और जो मीज़र की गई है वैल्यू वो की गई है 3.996 अपॉन ओरिजिनल कितना है 4 × 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे 4 में से 3.996 माइनस करके देख लो 4 में से वैल्यू कितनी आएगी, अभी आपको पता लग जाएगा 6 ऐसी आ जाएगा 9 ऐसी आ गई, और ये वाला 9 भी, अरे उल्टा हो गया भाई, 4 में से माइनस करो 4, क्योंकि 4 बड़ी है, कितना माइनस करना जल्दी से 3.996, तो 10 में से 6 निकाले 4 बचे, 9 में से 9 निकाला 0 बचे, 9 में से 9 निकाला 0 बचे, या भी यहाँ 3 बचा होगा, 3 में से 3 निकाले 0 बचे, तो 0.004 आ चुकी है वैल्यू, ये तो 0.004 / 4
ये वैल्यू आ चुकी है इनटू 100। ठीक है भाई, ध्यान रखना 0.004 आएगा, 0.006 आएगा, 3.994, ये 994 वैल्यू है, 3.994, तो यहाँ पर 6 बचेगा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक, इतना सा 3.994, यहाँ पर 0.006। अब जब इसको 4 से डिवाइड करोगे भैया, तो पहली बात तो ये आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 4। 2 से काटोगे तो 2 × 4 2 × 3 6 0.3। जब 0.3 का भी हाफ करोगे तो 0.15 आ चुका होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0.15%। एक्चुअल में ये जो परसेंटेज एरर इसमें पूछी गई है, अगर इसमें आपसे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना, थोड़ी सी भी, तो ये वैल्यू जो परसेंटेज आ रही है ना, ये चेंज हो जाएगा 0.15% है। पहली बात तो 0.15%, तो ये भाई चेंज हो जाएगा, 0.25 हो सकता, 0.25 से ज़्यादा हो सकता, 0.10 भी हो सकता, तो ये मिस्टेक हो सकती है। आपको डेसिमल के 4 प्लेस तक सॉल्व करना है वैल्यू को, डेसिमल के 4 प्लेस तक, ध्यान रखना आपको टर्मिनल पोटेंशियल डेसिमल के 4 प्लेस तक निकालना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, होप सो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। रही बात न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व करने की, तो वो आप अपनी प्रैक्टिस के आधार पर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।